नया रिएक्शन शुरू करते हैं नेमिंग रिएक्शन में। अगला सेशन है उज रिएक्शन का। उज रिएक्शन क्या है? उज रिएक्शन एक अल्काइल हैलाइड का टेस्ट है। किसका टेस्ट है? एक अल्काइल हैलाइड का टेस्ट है। यह एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा दिखाया जाता है, लेकिन यह नीट क्रैश कोर्स है, इसलिए आपको डायरेक्ट सिर्फ जुगाड़ बताया जाएगा। इसमें क्या करना है? अल्काइल हैलाइड होगा, उसके साथ कोई भी रिएजेंट लेंगे ना, वो रिएजेंट लेंगे सोडियम और ड्राई इथर के प्रेजेंस में। ध्यान रखना है यहाँ पर ड्राई होना कंपल्सरी है, मॉइस्ट नहीं लेना है, ड्राई लेना है। तो याद रखना है फिर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर सोडियम के प्रेजेंस में, सोडियम के प्रेजेंस में ड्राई इथर एक मीडियम की तरफ बिहेव करता है, मीडियम में अगर रिएक्शन कराते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? आर और आर होगा। कैसे पहचानेंगे? आर और आर देखिए, कुछ नहीं करना है। ये जो आर एक्स है ना, एक्स को उड़ाएंगे, डॉट लगाएंगे। क्या करेंगे? एक्स को उड़ाएंगे, डॉट लगाएंगे, डॉट को डॉट से मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? देखिए, आर एक्स था ना, तो आर एक्स उड़ गया, तो आर के पास डॉट और हेलोजन डॉट बना, ठीक है? तो आर डॉट लिखेंगे। फिर मीडियम में एक तो आर डॉट होगा नहीं, बहुत सारा आर डॉट होगा। और आपको पता है कि कोई भी फ्री रेडिकल है बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज है, तो दूसरे डॉट से चाहेगा कि बॉन्ड बनाना। मीडियम में एक और आर डॉट होगा, बहुत सारा आर डॉट होगा, आर डॉट मिलकर क्या बनेगा? आर और आर। तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल जुगाड़ है इसका। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर सोडियम ड्राई इथर के प्रेजेंस में कराते हैं तो आर आर बनता है, मतलब एक आर दूसरे आर से रिएक्शन करता है। तो कुछ नहीं करना, हैलोजन हटाना है और डॉट लगाना है, डॉट को डॉट से मिलाना है। तो हैलोजन हटाओ, आर पे डॉट लगाओ, डॉट को डॉट मिलाओ, तो बनने वाला प्रोडक्ट आपका ये हो गया। ध्यान रहे, ड्राई इथर ड्राई होना कंपल्सरी है। अगर आप यहाँ पे मॉइस्ट इथर लेते हैं, तो मॉइस्ट इथर लेंगे ना, तो वहां पे बनने वाला प्रोडक्ट होगा आपको अल्कोहल। देखिए कैसे, अगर मान लें मॉइस्ट ले लेते हैं, तो ये एनए है ना, ओज मॉइस्ट लेते हैं तो पानी है, एनए ओज के साथ रिएक्शन करके एनओज बनाएगा, और एनओज आर एक्स के साथ रिएक्शन करके आपको पता है कि SN1 या SN2 रिएक्शन देगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा और अल्कोहल बनाएगा। तो वो हम सीखेंगे NSR में। तो ध्यान रखना है यहाँ पर ड्राई लेना है, मॉइस्ट नहीं लेना। अगर मॉइस्ट लेंगे तो क्या बनेगा? अल्कोहल। लेकिन हमको अल्कोहल लेंगे तो नाम उस प्रोडक्ट का हम उज रिएक्शन नहीं बोलेंगे। तो ध्यान रखना है, एक सटा है, डॉट लगाए, डॉट से डॉट मिला है, तो ये आपका बनने वाला प्रोडक्ट है। आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं उस पर। सीएल उड़ाओ, डॉट लगाओ, फिर डॉट को डॉट मिलाओ, तो CH3। ध्यान रखें ड्राई इथर बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉइस्ट नहीं होना चाहिए, तब बोलेंगे उज रिएक्शन। सीएल उड़ाओ, डॉट लगाओ, डॉट से डॉट मिलाओ, तो CH3 CH2 डॉट बना, डॉट से डॉट मिला दो, तो CH2 CH3। यहाँ पे डॉट लगा, डॉट से डॉट मिला, सीएल उड़ाया, डॉट लगाया, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हटेगा, तो यहाँ पे डॉट आएगा इस डॉट को, फिर ये भी सीएल हटाया, बीएल हटाया और डॉट लगाया और डॉट से डॉट मिलाया, तो ये लगा, ये लगा, ये डॉट था, ये डॉट। एक ही मोलिक्यूल में, देखिए एक ही मोलिक्यूल में दो हैलोजन है तो समझना है कि इंट्रा मोलिक्यूल साइक्लेशन होगा। एक ही मोलिक्यूल में अलग अलग मोलिक्यूल में, एक मोलिक्यूल में अगर दो हैलोजन है तो साइक्लेशन होगा, एक मोलिक्यूल में एक ही हैलोजन है तो नॉर्मल रिएक्शन बनेगा, नॉर्मल चेन बनेगा। लेकिन साइक्लिक प्रोडक्ट बन रहा है क्योंकि हमको कितना मोल चाहिए था? दो मोल चाहिए था। तो दो मोल अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है, जब हम सोडियम और ड्राई इथर के प्रेजेंस में कराते हैं तो आर आर बनता है, और आर आर ठीक उसी तरह यहाँ पे दो मोल चाहिए क्या? अल्काइल हैलाइड तो है, यहाँ पे हैलाइड दो मोल है, तो क्या किया कि बीआर हटाइए, डॉट लगाइए, डॉट से डॉट मिलाइए, तो डॉट से डॉट मिलाए, तो साइक्लोप्रोपेन बना। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इसको बोलते हैं उर्ज रिएक्शन, ठीक है, सिंपल उर्ज रिएक्शन। क्या बोलेंगे? सिंपल उर्ज। लेकिन इसमें क्या, ये भी सिंपल ऊर्जी है लेकिन ये साइक्लिक प्रोडक्ट बनाएगा। इसमें क्या करेंगे? सीएल हटाइए, डॉट लगाइए, बी हटाइए, डॉट लगाइए और डॉट से डॉट मिलाइए, ये डॉट मिलेगा, तो अंदर बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? ये ध्यान रखना, फिर से हैलोजन हटाओ, डॉट लगाओ, डॉट से डॉट मिलाओ। यहाँ पे दो हैलोजन चाहिए ना, यहाँ पे तो दो अलग अलग मोलिक्यूल से लेकर के बना रहे थे, लेकिन इसमें एक ही मोलिक्यूल में दो हैलोजन है इस दोनों में, इसलिए हम क्या किए कि हम एक ही मोलिक्यूल को सीएल हटा के डॉट लगाए, डॉट से डॉट मिला करके ये प्रोडक्ट बना दिया। ये ये क्यों बोलते हैं? बाईसाइक्लो कंपाउंड। फिर आगे देखिए, बी आर टू हटाएंगे, डॉट लगाएंगे, ये बी आर टू हटाएंगे, डॉट लगाएंगे, डॉट से डॉट मिलाएंगे, ये तो पहले सही था, और यहाँ पे डॉट, ये दोनों रेजोनेंस करके आपको बेंजीन बना देगा, ठीक है? तो बी आर हटाओ, डॉट लगाओ, डॉट से डॉट मिलाओ, तो डॉट से डॉट मिला दिया। फिर आगे ये देखिए, दो सीएल है, एक सीएल हटाएंगे, डॉट लगाएंगे, ये सीएल हटाएंगे, डॉट लगाएंगे, डॉट से डॉट मिला देंगे, ये प्रोडक्ट। अब फिर यहां पे देखेंगे, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट लगाते हैं, बी हटाओ, डॉट लगाओ, बी हटाओ, डॉट लगाओ, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, अब ये ध्यान देखिए, ये जो बनने वाला प्रोडक्ट है ना आपका, एंटी एरोमेटिक प्रोडक्ट है,
परेंटियोमेट्री प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉन स्टेबल कंपाउंड है, तो क्या करेंगे इसमें, ये बनाएंगे नहीं, इसको काट देंगे। तो क्या बनाएंगे, तो बनाएंगे क्या, देखिए पहले तो इसको हटाइए, पहले इसको बनाएंगे और यहाँ पे डॉट लगाएंगे, और यही डॉट मीडियम में तो एक अकेला ये होगा नहीं, बहुत सारा ऐसा ऐसा कंपाउंड होगा, तो फिर अगले वाले के डॉट के साथ जुड़ेगा और जुड़कर क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो ये डायमंड बना लेता है, तो क्या बना लेगा, डायमंड फॉर्म करेगा। तो देखिए जब भी आप देखिएगा एंटीरोमेटिक कंपाउंड बनेगा तो उसमें में डायमंडेशन का फॉर्मेशन होगा, तो एंटीरोमेटिक नहीं है तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसमें देखिए ये क्या, सीएल दो अलग अलग मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में दो हैलोजन नहीं है, तो अलग अलग मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, यहाँ दो मूल हैलोजन चाहिए इसलिए दो मूल मॉलिक्यूल लिए हैं, तो सीएल हटा दिए, यहाँ से डॉट लगाए, फिर यहाँ पे सीएल हटा दिए, यहाँ पे डॉट लगाए, और डॉट से डॉट मिलाएंगे, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाला बात है, यहाँ पर अगर CH3CH है, हो सकता है कि आपका खुद के डॉट के साथ मिल जाए, तो यहाँ पर हो सकता है कि नॉर्मल ये 1 2 3 4 चार कार्बन का रिंग बने, ठीक है, और यहाँ पे या तो हो सकता है CH3CH3 के साथ रिएक्शन कर ले, तो यहाँ पे हो सकता है कि दो कार्बन कंपाउंड बने। लेकिन यहाँ पे क्या करना, अगर मेन प्रोडक्ट बनाना है तो इसका और इसका मिल करके प्रोडक्ट बनेगा, ये कचरा प्रोडक्ट हो जाता है, ये जनरली आप तो ये बना नहीं सकते हैं मीडियम में, और बनाना है तो आप उसको फिर डिस्टिलेशन करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा, सेपरेट करना एक टफ काम है, टफ जॉब है, इसलिए हम जनरली ये रिएक्शन नहीं कराते हैं। तो ध्यान क्या देना है, उर्ज रिएक्शन है ना, इसमें ध्यान रखें हमेशा दो मोल लिए हैं, दो मोल क्यों लिए हैं, क्योंकि दो मोल हैलोजन को हटाना था और H2 बनाना था, ठीक है, तो इसलिए दो मोल लिए हैं। क्या आपको लगता है कि इस उर्ज रिएक्शन से आप एक एक कार्बन का कंपाउंड बना सकते हैं, कभी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमको दो मोल हैलोजन चाहिए था, इसलिए इससे कभी भी CH4 का रिएक्शन CH4 नहीं बन सकता, एक कार्बन कंपाउंड कभी भी नहीं बन सकता मीथेन का, इसलिए उर्ज रिएक्शन से मीथेन बनाना कभी पॉसिबल नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना है। देखिए अब सबसे पहले कुछ बात है जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाला बात है, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट भी करता है, ये तीन क्वेश्चन लोग इसी क्वेश्चन को देकर के फंसाने की कोशिश करते हैं, बाकी आपको फंसाया नहीं जाएगा, सीधे वही करना है, हैलोजन हटाइए, डॉट बनाइए, डॉट से डॉट मिलाइए। लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना, सबसे पहले CH4 नहीं बनेगा, क्योंकि आपको दो मोल लेना था, दो मोल लेना था कंपाउंड अल्काइल हैलाइड, लेकिन एक मोल दो मोल लेंगे तो कम से कम दो कार्बन कंपाउंड बनेगा, एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कभी नहीं बन सकता है, तो ध्यान रखना मीथेन कभी भी इससे नहीं बना सकते उर्ज रिएक्शन से। उसके बाद क्या, ओनली सिमेट्रिकल अल्केन बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल अभी देखिए सबसे लास्ट वाला 8वां नंबर जो क्वेश्चन हम बताए थे उसमें अनसिमेट्रिकल अल्केन बताए थे, अनसिमेट्रिकल अल्केन क्या बताते हैं कि यह कचरा प्रोडक्ट है, खुद का खुद के साथ, खुद का बगल वाले के साथ, बगल वाला खुद अपने साथ, तो इससे बहुत सारा प्रोडक्ट बनेगा, जो कि कचरा प्रोडक्ट है उसको अलग करना मुश्किल है, इसलिए हमेशा हम फॉर्मेशन क्या करते हैं, सिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए सिमेट्रिकल अल्केन बनाने के लिए यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि अनसिमेट्रिकल नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन वो कचरा बनेगा, उसको हम बनाने में यूज नहीं करते हैं उस रिएक्शन का। अब देखिए कुछ तीन क्वेश्चन लिए हैं, ये तो क्वेश्चन पहले बता चुके हैं लेकिन एक बार फिर से ले रहे हैं क्योंकि इसको समझाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर टू, ध्यान देखिए आप करेंगे क्या, सीएल हटाएंगे और सीएल से हटाएंगे और डॉट बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे CH3CH और यहाँ पर डॉट बनाए और यहाँ पर लिखे आप CH3 और यहाँ पर लिखे CH3, और फिर क्या करेंगे डॉट से डॉट मिलाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है इसमें डॉट से डॉट नहीं मिलता है, क्या होता है जैसे ही मुंडी आता है ना डॉट से डॉट मिलने, ये CH3CH3 एक दूसरे को दूर भगा देता है कि भागो यहां से भागो यहां से, तो जब आप डॉट से डॉट मिलाने आएंगे ये दोनों बड़ा बड़ा मुंडी टकरा जाता है और बॉन्ड नहीं बना पाता है, तो फिर क्या करते हैं, ये कहता है कि ठीक है हम दूसरे से बॉन्ड नहीं बनाएंगे, हम खुद से ही बॉन्ड बना लेंगे, तो क्या करता है अपना हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे और डबल बॉन्ड बना लेता है। तो ध्यान रखना 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में ना हमेशा अल्किन बनेगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में अल्किन बनेगा, वो नहीं बनेगा, वो बनेगा लेकिन अनस्टेबल होगा, ये बनेगा, एक ध्यान रखना ये। और ये देखिए इसमें क्या करना है, सीएल हटाना है, डॉट लगाना है, डॉट से डॉट मिलाना है, लेकिन चलिए यहाँ पे सीएल हटा दिया, डॉट बना, लेकिन डॉट से जो बनाएंगे यहाँ पे जैसे बना के दिखाते हैं, यहाँ पे अगर बना तो एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है कि जो अनस्टेबल कंपाउंड है, इसलिए ये नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे फिर से ध्यान रखें, एक तो जो भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है नहीं बनना चाहेगा तो क्या करेगा, खुद के बगल वाले कंपाउंड से डायमंड बना लेगा, डायमंड बनाने के साथ क्या करेगा जुड़ जाएगा, तो क्या किया जोड़ दिया, तो ये प्रोडक्ट बना, ध्यान रखना। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सोचेंगे सीएल यहाँ पे सीएल हटाए यहाँ पे डॉट लगाए, चलिए सीएल हटा यहाँ पे डॉट लगाए, तो सीएल हटाइए डॉट लगाइए, तो CH2 बॉन्ड CH डॉट बॉन्ड CH और इसके साथ इसको इससे जोड़ देंगे, तो जोड़िए
कितना कार्बन था, एक दो तीन चार, हाँ चार कार्बन है। जब इसको जोड़ेंगे इस फ्री रेडिकल के स्पिरिट के साथ तो ये वाला बन कंपाउंड बनेगा, ठीक है। और एक कंपाउंड और बन सकता है, देखिए यहां पे क्या, प्लस सी एच टू फ्री रेडिकल, सी एच डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच टू फ्री रेडिकल। आप एक देखिए यहां पे एक ध्यान देने वाला बात क्या है, ये जो सी एच टू फ्री रेडिकल है ना, इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर लेगा, क्या कर लेगा, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस कराइए, एक बार देखिए रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस कराएंगे तो यहां पे क्या आएगा, रेजोनेंस कराते हैं क्या बनेगा, देखिए सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू होगा क्या, यहां पे ये वाला जो बॉन्ड टूटेगा, एक ऐसे था एक ऐसे था, तो एक इधर आ जाएगा और एक इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहां वाला फ्री रेडिकल यहां डबल बॉन्ड बना लेगा, यहां वाला फ्री रेडिकल यहां आकर के इसी तरह ये फ्री रेडिकल यहां आएगा और बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए एक कंजुगेटर सिस्टम बन रहा है, डबल सिंगल डबल, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन यहां पे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, तो ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा और ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, जब भी इस तरह का दिखे कि कंजुगेटेड में अगर आपको क्लोरीन दिखे तो उसमें क्या करना है, इस तरह का प्रोडक्ट बनाना। देखिए कंजुगेटेड में है ना सीएल टाउ डॉट, और ध्यान देखिए ये डॉट रेजोनेंस तो नहीं कर रहा है, कर रहा है तो इसको तोड़ेंगे, एक रेडिकल इधर देंगे डबल बॉन्ड बनेगा, एक रेडिकल इसको देंगे ये इसका फ्री रेडिकल साथ बनकर डबल बॉन्ड बना लेगा, और डबल बॉन्ड बनाते ही कंजुगेटेड सिस्टम होगा, एक स्टेबल कंपाउंड बनेगा, इसलिए मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए ध्यान देना है कभी भी सिमेट्रिकल इस उर्ज रिएक्शन से अनसिमेट्रिकल कंपाउंड नहीं बना सकते हैं, सिमेट्रिकल कंपाउंड बनाएंगे, सीएच फोर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इससे बनने वाला प्रोडक्ट कम से कम दो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होना चाहिए, क्योंकि एक अगर बन लेंगे तो फिर अगला वाला कार्बन फ्री रेडिकल मिल करके अपने आप को डायमंड बना करके मिनिमम दो कार्बन कंपाउंड बनाएगा। एक चीज और ध्यान रखना, हम ड्राई ईथर लिए थे, हमेशा ध्यान रखना है ड्राई ईथर लेना है, हमेशा मॉइस्ट कभी भी नहीं लेना है, अगर मॉइस्ट लेंगे तो अल्कोहल बनेगा, SN1 SN2 मैकेनिज्म के साथ आपको NSR में सिखाया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाइड्रोजन हटाना है, डॉट लगाना है, डॉट से डॉट मिलाना है, अगर इंटरनल सर्कुलेशन हो रहा है तो उसमें अगर बनने वाला प्रोडक्ट एंटी एरोमेटिक है तो उसको एरोमेटिक कंपाउंड बनाने के, एंटी एरोमेटिक है तो उसको डायमंड बना देंगे ताकि स्टेबल कंपाउंड है। और जब ये वाला क्वेश्चन, ये तीन क्वेश्चन है जो मार्केट में पूछते हैं और माहौल बनाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, जय हिंद। एक काम करते हैं, थोड़ा कुछ और सीख लेते हैं खत्म करने के पहले, क्योंकि ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो देखो क्या है, सबसे पहले आपने उर्ज रिएक्शन में देखा था कि सोडियम और ड्राई ईथर, तो वो आप जो लिए थे ना वो एलिफैटिक था, एलिफैटिक अल्काइल हैलाइड, ध्यान रखना एलिफैटिक, उसमें आर और एक्स ले रहे थे और आर क्या था, एलिफैटिक था, जैसे CH3 C2H5 नॉर्मल ऐसे करके। लेकिन उसी का एक दोस्त था, किसका, उर्ज का, जो बैठा हुआ था बगल में बैठे बैठे देख रहा था, क्योंकि आपको पता है दोस्त है तो जलन तो थोड़ा होता ही है कि यार मेरा दोस्त कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते, और करना भी चाहिए डेफिनेटली, आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली आप अपने दोस्त से आगे बढ़ने के लिए एकदम अपने आप को पूरा जोर लगा दीजिए, कैसे भी करके आगे बढ़ना। तो बैठा हुआ उसका दोस्त ध्यान देकर के सुन रहा था, तो कहा कि अरे मेरा दोस्त अल्काइल हैलाइड में करता है और एलिफैटिक में करा रहा है तो हम भी नहीं रुकेंगे, हम एरोमेटिक में कराएंगे। तो जो फिटी बैठा हुआ देख रहा था ना उसी को देखा देखी सेम, जैसे वो जैसे जैसे कर रहा था ऊर्जे देखा देखी उसी तरह ये भी किया, बस ये क्या किया कि एरोमेटिक कंपाउंड लिया, एरोमेटिक कंपाउंड से बना दिया रिएक्शन। तो आपको जैसे इसमें भी क्या करना है, सीएल हटाना है, डॉट बनाना है, डॉट से डॉट मिला देना है, तो आप बनाइए मीन डॉट से डॉट मिला दिया, तो जो क्या करेंगे फिटिंग रिएक्शन। किसका भाई था, ऊर्ज का मित्र था, सॉरी भाई नहीं था, ये दोस्त था, वो देखा कि अरे यार तू एलिफैटिक बना रहा, चल मैं एरोमेटिक बनाता हूं, तो उसने एरोमेटिक बनाया। फिर दोनों दोस्त मिले एक दूसरे से, दोनों झगड़ लिए, अरे ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम कैसे कर सकते हो। तो फिर क्या हुआ, मार्केट में आया, लोग कहा कि ठीक है तो तुम दोनों मिलकर के प्रोडक्ट बनाओ, तो अल्काइल हैलाइड, ठीक है, जो कि एलिफैटिक हैलाइड है और एक एरोमेटिक हैलाइड है, दोनों मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाता है। तो सीएल हटाइए, डॉट लगाइए, और यहां पे भी बेंजीन से सीएल हटाइए और डॉट लगाइए, तो ये बनेगा प्रोडक्ट, तो दोनों को मिलकर के प्रोडक्ट बन रहा है, तो दोनों को मिलकर प्रोडक्ट बनेगा तो उर्ज फिटिंग बोलेंगे उसको। उर्ज का भी काम बन गया, पीटी का भी, उर्ज क्या लिया था आर, पीटी क्या भैया ये बेंजीन, तो दोनों का मिलकर प्रोडक्ट बन गया, तो इसको बोलेंगे उर्ज फिटिंग रिएक्शन। अब देखिए मार्केट में सब लोग कर रहा है तो कुछ और दूसरे लोग भी देखते हैं, कहते हैं कि यार वो कुछ बना रहा है तो हम भी कुछ बनाते हैं। तो सिर्फ अल्काइल हैलाइड लिया, लेकिन उसमें अगर जिंक ले लिया, क्योंकि अब देख रहे हैं मेटल ले रहा था ना, सोडियम मेटल, तो इस मेटल सोडियम डाल करके जिंक लिया, क्योंकि वो सेम ले सकता था, तो फिर ऊर्ज भी वो काम किया था, तो फिर इसका नाम कैसे होता। तो इसने बैठा कुछ नहीं किया, मेटल को चेंज कर दिया, मेटल जिंक लिया, तो जिंक लाया तो कुछ नहीं, सीएल हटाइए
और आर से आर डॉट बनाइए, डॉट से डॉट मिलाइए तो आर आर बन गया। तो फ्रैंकलिन इस, तो ये था फ्रैंकलिन गांव का बैठा हुआ एक और दूसरा कंपटीटर जो कि उसका नाम था फ्रैंकलिन, उसने देखा कि यार सब बना रहा है तो हम भी बनाएंगे। तो फिर सोडियम ले नहीं सकता था क्योंकि सोडियम ऊर्ज ले लिया था, फिटिंग ने भी सोडियम ले लिया था, तो इसने क्या किया कि जेड लिया, कौन सा लिया जिंक, तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा फ्रैंकलिन। ट्रिक अगर मान लिया कि कैसे है कौन सा मेटल लिया था तो भूल जाते एफ जेड याद रखना है, एफ फॉर फ्रैंकलिन और जेड फॉर जिंक एफ जेड, ये ट्रिक है आपका एफ जेड, एफ जेड से याद रखना। फ्रैंकलिन रिएक्शन में कौन सा मेटल लिया गया था जिंक और वो क्या बना था सीएल हटाया था डॉट से डॉट मिला करके फ्रैंकलिन बना था। अब तो ये देखा कि अब फिर गांव में हल्ला हुआ, अरे यार सब बना रहा है तो हम भी बनाएंगे, सब बना रहा है तो हम भी बनाएंगे, तो ठीक है। तो एक और गांव में बैठा हुआ बुढ़ा आदमी उल्लू टाइप का, उल्लू जो होता ना रात को ऐसे देखते रहता है इधर उधर देखते रहता है, ठीक उल्लू, उल्लू टाइप का नाम, इसलिए उसका नाम ही लोग रख देता उल्लू मैन। तो क्या करता उल्लू टाइप का आदमी था, और देखो उस यू से उल्लू अगर नाम को एटम भी ऐसा लिया था, मेटल भी ऐसा लिया था जिसमें भी यू आ रहा था, तो खुद उल्लू था मेटल उल्लू टाइप का लिया था कॉपर। तो उसने क्या किया, अब गांव में तो सब बना दिया था एलिफेटिक से, तो इसने क्या किया कि अब एलिफेटिक से बनाया होता चलो हम एरोमेटिक से बनाते हैं, तो ये एरोमेटिक से बनाया आई हटाएगा और आपको डॉट बनाएगा, आई हटाएगा डॉट लगाएगा डॉट से डॉट प्रोडक्ट बना देगा। ध्यान रखिए ऊर्ज को देखा था कि फिटिंग ने क्या किया प्रोडक्ट बनाया, ऊर्ज जो ये मेटल लिया था वही मेटल ये भी लिया है सोडियम, फिर उसका कंपटीटर फिर उसका दोस्त देखा कि अरे तुम प्रोडक्ट कैसे बना दिया, तो दोनों लड़ता है तो कहता चलो हम दोनों मिल करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एक अल्काइल हैलाइड है एलिफेटिक वाला, एक अल्काइल हैलाइड है एरोमेटिक वाला, ये दोनों मिलकर प्रोडक्ट बनाता है, तो दोनों के नाम से एक रिएक्शन का नाम होता है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। फिर मार्केट में आता है एक बैठा हुआ कंपटीटर, उसका नाम रहता है फ्रैंकलिन, वो कहता है कि यार सब बनाना तो हम भी बनाएंगे। तो क्या किया कि अल्काइल हैलाइड लिया, लेकिन सोडियम पहले लिया जा चुका था तो बाद में फिर से एक और एटम लेना होगा, तो इसने मेटल लेना है, तो दूसरा मेटल इसने जिंक यूज किया था और जिंक से नॉर्मल एल्केन बना था। अब बैठा हुआ गांव का एक उल्लू आदमी था, उल्लू की तरह दिख रहा था, चुपचाप देख रहा था, अरे क्या कर रहा है लोग क्या कर रहा है, चुपचाप रात में अंधेरे में बैठ करके प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है ये उल्लू। में देखिए यू से उल्लू और नाम में भी उल्मान, उल्लू उल्मान, और एलिमेंट भी एटम सॉरी मेटल भी ऐसा लिया था जिसमें नाम में यू आ रहा था। तो ध्यान रखना कभी भी कॉपर के साथ हिट देगा तो डेफिनेटली वो उल्मान रिएक्शन होगा। और आपको एफ जेड ट्रिक है ना, फ्रैंकलिन जिंक लिया था तो एफ जेड, बाकी तो आपको सोडियम और ड्राई इथर के प्रदेश में कराया था, अगर एरोमेटिक ले रहे हैं तो वो बनने वाला प्रोडक्ट फिटिक होगा, और एलिफेटिक ले रहे हैं तो वो बनने वाला प्रोडक्ट ऊर्ज रिएक्शन होगा, और एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों ले रहा है तो दोनों भाई था दोस्त था दोनों मिलकर जो प्रोडक्ट बनाता है वो ऊर्ज फिटिक रिएक्शन आता है। बस आज एक छोटा सा ट्रिक था जो आपको बताया, बाकी ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले स्लाइड में।